कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी ने आज यानी गुरुवार को पार्टी मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। सत्ताधारी दल ने ऐसा इसलिए किया है ताकि कांग्रेस चुनाव न लड़ पाए। उन्होंने कहा कि हमें लोकतंत्र बचाना है और इसके लिए सभी को एक समान मौका मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का देश के संसाधनों, मीडिया और संवैधानिक एवं न्यायिक संस्थानों पर कंट्रोल हो गया है। आप भी सुनिए। दोस्तों, ये तो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव की घोषणा तो हो चुकी है। देश का हरेक नागरिक इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक है। भारत पूरी दुनिया में अपने लोकतंत्र मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है। किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य होता है, एसेंशियल होता है। साथ ही ये भी अवश्य होता है कि सभी राजनीतिक दल के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड यानी समान लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सभी के पास समान रूप से संसाधन हो। ये नहीं कि जो सत्ता में है उनका रिसोर्सेस पर मोनोपोली हो, ये नहीं कि उनका मीडिया पर एक अधिकार हो, ये नहीं कि सत्ताधारी दल का संवैधानिक तथा न्यायिक संस्था जैसे आईटी, ईडी, इलेक्शन कमीशन, इन अपने दूसरे ऑटोनोमस बॉडीज पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष नियंत्रण हो। दुर्भाग्य से जो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो इलेक्ट्रल बॉन्ड, चुनावी चंदा बॉन्ड के बारे में जो तथ्य निकलकर सामने आए, वो बहुत ही चिंताजनक है, शर्मनाक भी है, क्योंकि इससे हमारे देश के छवि को ठेस पहुंची है। हमारे देश ने पिछले 70 सालों में निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र की छवि बनाई थी, उस पर प्रश्न चिन्ह आज उठ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदा बॉन्ड को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया है। और दूसरी तरफ साजिशन मुक्त विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए। ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को इस देश में बचाना है तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना, चंद देशों में चुनाव हो रहे हैं, 99% वोट एक ही आदमी ले रहा है। ऐसा आपको तो मालूम हो गया रिसेंटली किन किन देशों में ऐसा हुआ है। तो ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल खेला गया है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, पर ये स्पष्ट है कि इस तरीके से किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर चुनाव लड़ने में बाधा
उत्पन्न कर और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी नहीं कहा जा सकता। देश की जनता, एक आम नागरिक देख सकता है कि बीजेपी ने चुनावी चंदा बॉन्ड से 56% पैसे हासिल किए हैं, वहीं कांग्रेस को 11% ही मिले हैं। और ये वो पैसे जो बॉन्ड से बीजेपी ने लिए हैं, इसके अलावा जो कैश में इनके पास आता होगा तो कोई अकाउंट ही नहीं है। आप इनके खर्चे देखिए, हर तरफ इनका एडवर्टाइजमेंट लगा है और एडवर्टाइजमेंट में भी मोनोपोली बना ली है। प्रिंट मीडिया हो, टीवी हो और सोशल मीडिया हो, इनका बहुत डोमिनेशन है। लेकिन इतने पैसे एक पार्टी जमा कर सकती है, हिंदुस्तान के 70 साल के डेमोक्रेटिक व्यवस्था में ऐसा कोई नहीं किया। ये पहली बार ये सरकार अनेक ढंग से पैसे आज उठा रही है और इनके 5-स्टार ऑफिसेस से बड़े बड़े हर जगह आप देखिए और 4-4, 5-5 फ्लाइट एक एक मीटिंग को जाते हैं और उनके पीछे और 2-4 जाते हैं। एक एक मीटिंग का इतना खर्च होता है तो शायद ही कोई पार्टी, अपोजिशन पार्टी उसका 10% भी नहीं कर सकती मुकाबला। मैं कहना नहीं चाहता कि बीजेपी ने किस तरीके से कंपनियों से पैसे लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तथ्यों की जांच कर रही है। हमें उम्मीद है कि सच्चाई बहुत जल्द हम सब के सामने आएगी। और अंत में मैं देश के संवैधानिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो हमारी पार्टी को बगैर किसी रोक टोक से बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करने दे। और जो इनकम टैक्स का क्लेम है वो अंततः कोर्ट के निर्णय के अनुसार सेटल हो जाएगा। राजनीतिक दल टैक्स नहीं देते, बीजेपी कभी इनकम टैक्स नहीं दी, लेकिन ये लागू सिर्फ कांग्रेस पे हो रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, सच है ना? सेटल हो जाए। राजनीतिक दल नहीं आते, बीजेपी ने कभी नहीं दिया अकाउंट। इसके बाद भी अगर हमसे ये मांगा जा रहा है तो हम न्यायालय के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कम से कम न्यायालय तो इस बात को देखे, कानून को देखे, रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस जो संविधान के तहत होता है उसके तरफ तो ध्यान दे दो, क्योंकि आज वो हुकूमत में है, कल दूसरी पार्टी आएगी। लेकिन हमको ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड जो हमने पहले से बनाया था नेहरू जी से लेकर हम 89 और बाकी के लोग भी, जब इवन वाजपेयी थे उस वक्त भी ऐसा नहीं था, लेकिन यहां ये 18वीं लोकसभा का चुनाव
जो हो रहा है इसमें हम सब देख रहे हैं, ये कुचल रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं और हमको चुनाव लड़ने के स्थिति में वो नहीं छोड़ना चाहते हैं और पैसे को तंग तबाह करके वो एक तरफा इलेक्शन कर लेना चाहते हैं। लेकिन लोग भी होशियार हैं, इसको जानते हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड बने रहने के लिए ये उनके जो बाधक है और जो हमारे अकाउंट्स फ्रीज किए हैं वो तत्काल उसका रिलीज होना चाहिए और हमको चुनाव में डेमोक्रेसी और संविधान को बचाने के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।